उसने इस गिनी को इतना ख़तरनाक दिखा दिया था, बहुत ख़तरनाक, मतलब अगर उसकी वीडियो देख लोगे तो डर जाओगे। हम चल रहे हैं कोनाकरी की बारिश में। अस्सलाम वालेकुम, लड़ ले भाई, योर हेयर गुड। मालपुए बन रहे हैं, जैसे अपने मालपुए होते हैं ना। जय हिंद, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। इस वक्त हम हैं गिनी देश की कैपिटल कोनाकरी में और समय यहाँ हो चुका है दोपहर के 3:30, क्योंकि सुबह से बरसात थी, कहीं भी नहीं निकल पाए हम। और फिर दोबारा बरसात शुरू हो गई, अभी निकलने की सोची थी और बरसात शुरू। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये है मदीना एरिया और ये सारा जो आपको ओशन दिख रहा है ये है अटलांटिक ओशन। और भाई सोचा था कि बाहर निकल के कुछ रैंडमली चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि टाइम तो है नहीं कि कहीं प्लान करके जाया जाए, क्योंकि बरसात जो है वो गूगल पे भी दिखाया जा रहा था कि वेदर जो है वो सारा दिन आज बारिश रहेगी, और जब ही सोचता हूँ बाहर निकलने की तभी बारिश आ जाती है। यहाँ पर मैंने कुछ अलग से ही बारिश देखी, हमारी जो इंडिया में पड़ती है बारिश तो एक साइड पड़ने लगे तो एक साइड है, यहाँ पर क्रॉस बारिश हो रही है इधर से भी इधर से भी। तो अगर बारिश रुकेगी तो हम नीचे चलेंगे, रैंडमली चीज़ों को देखेंगे। और नीचे की जो बिल्डिंग है, यहाँ पर सुबह यूएन की एक कार खड़ी थी, तो ये कहीं शायद यूएन वाले किसी अधिकारी की या यूएन के कोई ऑफिस की बिल्डिंग है। स्विमिंग पूल भी है वहाँ पर पीछे, ब्लू ब्लू दिख रहा होगा। जो मज़े हैं यूएन वगैरह वालों के भाई, दुनिया लड़े जाती है इनके मज़े आए जाते हैं, हर जगह इनको भाई प्रधान बनाना पड़ता है। वैसे जहाँ मैं खड़ा हूँ 6th फ्लोर है ये, और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, आपने देखा होगा कैमरा में वो चीज़ें नहीं दिख पाती जो आप आंखों से देखते हो, इसीलिए दुनिया खुद से भी घूमने जाती है, नहीं तो सब लोग वीडियो को देख के ही घूम फिर लें, है ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। बारिश रुकने का नहीं ले रही नाम, और शाम के 5 बज चुके हैं, हम जाने लगे हैं बाहर, देखी जाएगी जो भी होगा। और यहाँ पर एक और रिवाज है, ये बिल्डिंग से बाहर ना सब्जियां लेके बैठे होते हैं, अगर आपको कुछ ख़रीदना है फ्रूट सब्ज़ी तो ये दे देंगे। अल्लाह हाफिज़। 85% जो आबादी है वो भाई मुस्लिम है यहाँ पर गिनी में, और बहुत अदब से तमीज़ से रह रहे हैं। एक हमारा भाई है, ट्रैवलर है, ड्रू बिंस की आप जानते होंगे, क्योंकि ना हम लोग तोलते हैं सब्सक्राइबर्स काउंटिंग से लोगों को, ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया जानती है उसे। उसने इस गिनी को इतना ख़तरनाक दिखा दिया था, बहुत ख़तरनाक, मतलब अगर उसकी वीडियो देख लोगे तो डर जाओगे। हम चल रहे हैं कोनाकरी की बारिश में, दुनिया की सबसे ख़तरनाक जगहों में से एक जगह है ये कोनाकरी। और भाई ये कुछ नज़ारा है कोनाकरी का आगे से, ठीक है, दुनिया की सबसे ख़तरनाक जगहों में से एक जगह, और वेस्ट अफ्रीका की पुअरेस्ट कंट्रीज़ को मानते हैं, लेकिन अगर इनका पोटेंशियल देखोगे तो ये वेस्ट अफ्रीका की सबसे अमीर कंट्री भी कही जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, देखो किसी को ग्रीट करोगे ना वो सब आपको ग्रीट करेंगे, और लेकिन किसी के मुंह पे कैमरा एकदम कर दोगे तो वो लड़ेगा, हमारे भी मुंह पे कोई कैमरा कर देगा तो हम भी लड़ेंगे। और सबसे पहले रोड क्रॉस कर लें, और भाई अस्सलाम वालेकुम, लड़ ले भाई। तो भाई उस भाई ने हल्ला गाड़ दिया था बहुत तगड़ा, और किसी ने मुझे इंडोनेशिया में कहा था देर आर 2 काइंड ऑफ पीपल, गुड एंड बैड। तो यस, आपको दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हर जगह मिलेंगे, और वहाँ से निकल के आप उसे भी बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि यार मैंने आपको पहले भी बताया कि यार गोरों ने ना इनकी इमेज बहुत ख़राब कर रखी है, कि ये मतलब लूटपाट गलती हैं, लूट लेंगे मार देंगे, मतलब आप समझते हैं ना कैसे मजाक उड़ाते हैं इन लोगों का। तो वो मजाक उड़ाया तो ये लोग यार ठीक कहने लगता, हमारा मजाक उड़ाएगा हर कोई,
बट ऐसा नहीं है, अभी हम अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, अच्छे भाई। ब्रो व्हाट इज योर नेम? पाली। पाली यू पर्सन क्रिकेटर यू नो रिबेरी? रिबेरी नो द प्लेयर फुटबॉलर भाई, ये अपना प्यारा भाई ब्रो। और भाई ये लॉटरी का फैशन है, यहाँ पर गेम प्ले हो रही है, गिनी गेम, गिनी गेम। हम भी क्या सकते हैं अपना यार, हुक्का पिला दिया इन्होंने आज मुझे, कहते हुक्का पी ले। टी दिस इज टी, दिस इज टी, ओके फॉर मी ब्रो। बारिश हो रही है और दोस्त कर रहे हैं मजे। वेयर इज माय टी? टी ओके, टी बना रहे हैं, चाय बन रही है भाई, चाय पी के चलेंगे। यारों के पास बैठे हैं, कैमरा करते हैं बंद, थोड़ी देर भाइयों से बात करेंगे, गपशप करेंगे। और ये जगह है गिनी की कोनाकरी। दिस इज फॉर द गेम, इफ विन गिव टू हिम। Bro, see you. God bless you all. Love you. Bye bye. Thank you too. भाई आगे चलते हैं, रैंडमली लड़ेंगे, प्यार करेंगे, कुछ ना कुछ पंगा तो होगा ही। मल्होत्रा साहब रोड पे निकले हैं तो यार मेरी बात का फिर बुरा मत माना करो, ऐसे मजे में रहता हूँ। आप क्या चाहते हो मैं मतलब ज़बरदस्ती टॉपिक बना दूँ? झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, वो मेरे को ये कह दिया, वो कह दिया, तो यार अपने बस की है नहीं, देखो ज़बरदस्ती की लड़ाई बना दूँ नहीं ना। प्यार करेंगे, लड़ेगा कोई तो उससे भी प्यार करेंगे। ब्रदर्स लव यू। तो भाई थोड़ी सी दूर आ गए मल्होत्रा साहब, फिर बैठ गए एक कुर्सी पे, एक कुर्सी मुझे इन्होंने दी है, और हम एक लोकल स्ट्रीट फूड की जगह पे, इन्होंने कहा ये कुछ सी फूड टाइप है, और भाई बना रहे हैं ये लोग। मल्होत्रा साहब बैठे हैं, ब्रदर टेक माय वीडियो। यार देखो मस्ती में हट भी रही है दुनिया की, वो ड्रिंकिंग स्क्रीन इतना डरा रखा था भाई साहब, कैमरा फूट दिया कर रहे हैं, लेकिन फिर मल्होत्रा साहब तो मल्होत्रा साहब है यार। देखो टेक इट ईजी लेना, ठीक है, पिटाई हो सकती है, पिटाई की वीडियो नहीं डालूंगा। ये है फूड और ये भी कॉफी भी है, चॉकलेट कॉफी, और अपना ब्रदर चोकोलाना है। डिलीशियस भाई, कुछ सी फूड है लोकल। मैडम योर हेयर गुड, एक ही कुर्सी यार। लो भाई मेरे खाना आ गया अपना, बहुत बढ़िया, टेस्ट करते हैं। फूड खा लिया, 100 रुपये सिर्फ पिलाया था, कुछ टॉफियाँ भी ले ली बच्चों के लिए। मैडम कॉल यू मैसी, बाय बाय, प्यार से बोलो तो प्यार मिलता भाई, लेकिन कुछ मिल जाते हैं मस्ते। मैसी बहुत खूब।
गॉड ब्लेस यू भाई। उससे थोड़ा सा आगे निकल के बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल रोड पे, और अफ्रीका और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चलती है फुटबॉल। थोड़ा बच्चों से मिलते हैं, थोड़ी सी फुटबॉल देखते हैं। देखो नंगे पैर भी इतनी अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं ये लोग, बॉल भी। ओ भाई डोंट गो ऑन द रोड, यू वांट टू प्ले विद देम। With the whole world at our feet, we could stay or we could leave. There is nothing in between. So baby, we should start living now, 'cause we only have this life. Wanna laugh and wanna cry. I don't wanna waste my time. So baby, we should start living now. Merci. Okay, merci beaucoup. भाई ये गेम है तो, ये खेल रहे हैं। चेस नहीं है भाई ये। बारह बुटाई चल। What do you call this game? Dam. तो भाई ये डाम है, गेम खेल रहे हैं रोड पे। ओके ब्रदर, अल्लाह हाफिज। ओके थैंक यू, थैंक यू। तो भाई चलते चलते फिर थोड़ी दूर रुक गए हैं, और ये कुछ गुड़िया बच्चे हमारे कुछ सेल कर रहे हैं। ये पानी है, हमने ले लिया है ऑलरेडी, और ये पानी, और ये कुछ बेचती है गुड़िया। व्हाट इज दिस? ओके लेट मी ट्राई। दिल की गज्जे कहते थे अपने माँ होती है, स्वाद है लेकिन। ये मुझ पे हंस रही है। गुड। What are you selling? Mandi. Food? He's not selling. Mandi. Okay. Not selling. One more. Ah, yeah. Tasty, boy. What do you want? Say, their food is sweet than your food in India. Yeah. It's like same. Same. It's good. Tasty. India same. Kuch apne jaisa bhai. Dil ki gadde ke jaisa hum badhiya. ये दोस्तों के साथ फिर यहाँ पे मिल गए भाई बंद। अफ्रीका जैसे रंग ये भाई लूडो खेल रहे हैं। लूडो इंडिया, लूडो इंडिया, लूडो एक शॉप भी है यहाँ पे, भाई लोग यहाँ मजे कर रहे हैं। ब्रदर स्ट्रॉन्ग मैन,
देख लो भाई, डोले देख लो स्ट्रॉन्ग भाई। यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं और सारे भाई बैठे थे और फिर मल्होत्रा साहब का स्टाइल, ये तो मुझे लैंग्वेज नहीं आती अभी, तो जो लैंग्वेज आती हो तो फिर कमाल अलग होता है। ये इज माय फर्स्ट फ्रेंड, सबसे पहले मुझे मिला था मेरा भाई। लॉटरी गेम भाई, ये गिनी गेम यहाँ हर बंदा खेलता है। साबा नंबर और सीमेंट बिग मैन साबा भाई अफ्रीका का मजा जो है ना, वो अफ्रीका भी है। यार भुट्टा खाने आए थे हम और भाई एक मिल गया, फिर उससे बात करने लग गए, तो लैंग्वेज का थोड़ा सा रह रहा है, फिर वही बात है। देखो इसको ना वर्ल्ड फूड की वो दे देनी चाहिए भाई, मैंने तो दे दी। आप देख लो पूरे वर्ल्ड में मिलता भाई भुट्टा और छाता बेच रहे हैं भाई, ये मौसमी जूस जूस अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड में भी बहुत बिकते हैं, मूंगफली गिली गिली होती है थोड़ी, अंदर फ्री में दे दी थी इस बहन ने हमें, लेकिन भाई पैसे दे दिए। मैसी बोकू ओए अपना बेबी, हेलो भाई, ये देखो छोटा सा, ये स्टाइल पूरे अफ्रीका का है। वर्ल्ड फूड मैंने फ्री में ही दे दी थी यार। ओके 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 बाय ओके, या 5000 नो प्रॉब्लम। यू लाइक भाई, हम जो है वो तो व्लॉग डे वाइज करते हैं, लाइक जो भी हो रहा है, लेकिन अगर व्लॉग किया जाता तो लगता कि स्ट्रीट फूड व्लॉग है। भुट्टे का टेस्ट भी एक जैसा होता पूरे वर्ल्ड में, तो वेजिटेरियन भाई जो भी हैं भाई भुट्टा खा के गुजारा कर सकते हो, रहा रास्तों में मिल जाएगा। भुट्टा था 5000 का, मतलब यहाँ के 5000 का, अपने शायद 50 रुपये बनेंगे, 50-55 रुपये, थोड़ा सा महंगा होगा अगर हम अपने रेटों से लगाएंगे तो। 10-20-50 रुपये को सोचना नहीं, निकले हो मज़े करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, देखो दुनिया, घर पैसे का हिसाब लगाते रहे तो फिर तो काम हो जाएगा ख़राब, मज़ा आएगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सामने ही बेच रहे हैं एग, बहुत ही अपनी भुट्टे की दुकान, और यहाँ पर ये एग खाते हैं भाई छिल छिल के, नींबू और ये पता नहीं क्या है। साबा मैडम, कोई कोई गुस्सा, कोई कोई प्यार,
कहीं कहीं गुस्सा मिलेगा, कहीं कहीं प्यार, ऐसा ही होता भाई। शायद हमारे आगे भी कोई कैमरा करेगा तो ऐसा ही होगा। चलते हैं गुस्से और प्यार के साथ साथ, फिर कहीं रुकते हैं। मैसी बोकू मैसी। भाई राह चलते फिर रुके हैं, और ये है एक लोकल कॉफ़ी का ठेला, चल रहा था और भाई को रोक लिया। इसमें थी कॉफ़ी और चीनी और पानी, बन गई एक ब्लैक कॉफ़ी। भाई ने दो बनानी थी, थोड़ी डार्क बना ली पहली, थोड़ी स्ट्रॉन्ग करके अब दो में शायद कन्वर्ट कर देगा। ये था पानी भाई, और इसमें क्या है तो खाली है, और क्रीमर डलता है अगर मिल्क चाहिए तो। वाओ, दिस इज वन, मेक अनदर वन। हाँ तो भाई इस तरह से ये कॉफ़ी बनती है। ओला गिनी कोनाकरी स्पेशल कॉफी। अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल है, और भाई को चीयर्स यार, ऐसे नहीं पिया करते, पहले चीयर्स करते। थैंक यू मैसी बोको। गुड भाई, कॉफ़ी है 3000 गिनी फ्रैंक की, जिसका मतलब है लगभग 30 इंडियन रुपीज़, मतलब दो कॉफ़ी हो गई ना 15-15 रुपए की। ठीक है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर लगेगा ये कोनाकरी, पर कंपेयर करेंगे तो हर कुछ महंगा लगता है इंडिया से। और अब लोगों के कमेंट आएंगे कि भाई इंडिया बहुत महंगा है, लेकिन नहीं भाई, इंडिया वन ऑफ द आई थिंक के जो सबसे सस्ती कंट्री है उनमें से एक है खाने पीने के मामले में। इंडिया के बाहर आते हैं तो सब कुछ महंगा लगता है। इंडिया इंडिया ब्रदर, ये था भाई ठेला, ऐसे चल दिया है भाई का वापसी। अरे भाई फिर रुक गए हैं, स्ट्रीट फूड बहुत है यहाँ पर, और फिर वही बात है अगर वीडियो बनाने लगते हैं तो स्ट्रीट फूड के देखेंगे, कहीं स्ट्रीट फूड ही नाम ना दे दें। और मैं ये भी ऐसे कैसी बात डाल दूँगा क्योंकि झूठ सच बोला नहीं जाएगा। और हवा, और ये भाई मालपुए बन रहे हैं, जैसे अपने मालपुए होते हैं ना वैसा है, ये पाउडर से बनाते हैं कुछ मालपुए टाइप। भाई मालपुआ ब्रदर मैंने पहले ही ले लिया था, गुड टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। और भाई और भी कुछ है यहाँ पर, ये पता नहीं क्या है, इसको भी चख लेते हैं। मैडम ब्रो खुद ही निकाल लेते हैं, अब अफ्रीका में हमारा राज है। लड़ पड़ो, पंगा हो गया, पंगे हैं उतर रहते हैं कोई नहीं। अफ्रीका है, यहाँ गिनी में कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, जो मर्जी जहाँ मर्जी से गाड़ी मोड़ दे।
बढ़िया है और हमें इस चीज़ की आदत है, हमें कोई मतलब अलग सी बात नहीं लगती है ना। अपने वहाँ भी ऐसा सब कुछ हो जाता है और ये भी बढ़िया है, पता नहीं क्या फूड है, लेकिन इंडिया और यहाँ का फूड जो है अफ्रीकन साइड का काफ़ी मिलता जुलता, और ख़ास करके जो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ है उनका। ये गिनती से मिलते हैं, गिन गिन के दे रहे हैं, गिनती का माल है भाई, गिनती का है बढ़िया। लेकिन खाने में वेजिटेरियन भाइयों के लिए एक और वो भाई आगे इन्हें कॉफ़ी की रेडी जाती हुई बोलते भी ऐसा लग रहा है जैसे झगड़ा हो गया हो। अस्सलाम वालेकुम। और भाई भाई सामने खड़े थे, मैंने बाइक देखी यहाँ पर, इनको ओकाडा नहीं कहते, सिर्फ टैक्सी कहते हैं, और बाइक सारी टीवीएस इंडियन कंपनी टीवीएस। कुछ ऐसा इलाका जहाँ खड़े हैं। और भाई कहा जाता है कि शेरों का कोई इलाका नहीं होता, शेर जहाँ चले जाए वो इलाका है, सबसे खतरनाक कैपिटल। हाँ कोई और है क्या, आवाज़ मारेगा तो मल्होत्रा साहब जवाब जरूर देंगे। अब उसको आप एटीट्यूड कहते हो, क्या करें, एटीट्यूड नहीं है दोस्त। ज़िंदगी में मौत भी एक ही बार आनी है, जैसे कहते ज़िंदगी एक बार, मौत भी एक ही बार आएगी, और जहाँ लिखी है वहाँ हो जाएगी। और भाई साहब ईमानदारी पूरी है, मैं यहाँ पर 20,000 का नोट रख गया था, इन्होंने उठाया नहीं जब तक हिसाब नहीं हुआ के बात कर। फोर मैसी बॉक्स। और भाई ये पेट्रोल बिक रहा है यहाँ पर, अभी है नहीं इसमें, दुकान से मिलता है, दुकान पे सामान मिल रहा है भाई, कुछ एक्सेसरीज हैं जो फ़ोन वगैरह की। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे जहाँ मिल जाए ना मज़ा आ जाता है, मुझे आप लोगों की दुआएं और इन बच्चों का प्यार सबसे ज़्यादा वही है जो खुश रखता है। फोर्ड अपने इंडिया से तो चला गया बेचारा, बहुत अच्छी कारें हैं। निशान विस्ता पता नहीं क्या है, आप बता देना। भाई का चश्मा देख लो, टैग भी नहीं उतारा लौंडे ने। कमाल है, ये अफ्रीका नहीं कर सकते हैं जो कमाल कर सकते हैं। फिर दोबारा एक कॉफी की रेडी